हमारे प्रिय छात्र, मैं राजेश प्रसाद, मॉडर्न प्राइवेट आईटीआई हीरा चेक मोहली पलवा से कार्यदेशक पद पर कार्यरत हूँ। अतः आप लोगों से निवेदन है कि जब तक आप लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, तब तक हम आप लोगों को इस वीडियो के जरिए आप लोगों को ये सब्जेक्ट के हर कोर्स को कंप्लीट कराते रहेंगे और आप लोग घर में सुरक्षित पूर्वक रहकर आप अपने पढ़ाई पर ध्यान पूर्वक ध्यान लगाएं। धन्यवाद। आज चलिए फिर हम लोग पढ़ाई करते हैं और आज हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। और मैथ्स में क्या पढ़ना है आज आप लोगों को, मैथ्स में आप लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री TRI मतलब होता है तीनों, तीन। ठीक है, और गोनो GONO गोनो मतलब होता है कोण, और मैट्री METRY मैट्री मतलब होता है क्या, माप, यानी तीनों कोणों की माप। तीनों कोणों की माप को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पर देखिए कि समकोण त्रिभुज द्वारा बनी आकृति को हम लोग त्रिकोणमिति भी कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज द्वारा बनी आकृति को हम लोग त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो जैसा कि देखिए आप लोग, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो समकोण त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये मेरा 90 अंश का है। ठीक है, और यहाँ पर इसने दे रखा हुआ है थीटा। क्या थीटा, यहाँ पर हम लोग नाम से दर्शा देते हैं A, B और C। तो थीटा, थीटा का मतलब कि कोई पर्सन या कोई व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति जब यहाँ पर खड़ा होता है तो सीधी सी बात है वो जमीन पर खड़ा होता है। जमीन मतलब बेस, बेस मतलब आधार। तो व्यक्ति कहाँ खड़ा है, अपने आधार पर। कहाँ खड़ा है व्यक्ति, अपने आधार पर। और जब व्यक्ति यहाँ से अपने सीधी रेखा में देखता है तो वो क्या देखता है, यानी थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, लंब, यानी थीटा, यानी व्यक्ति जब यहाँ पर खड़ा होता है तो वो आपकी आधार हो गया, और जब यहाँ से वो सामने देखता है तो सामने वाली भुजा उसकी लंब होता है, और ये मेरा कर्ण होता है। कर्ण किसी भी दशा में नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखिए जब थीटा यहाँ पर हो, दूसरी आकृति में देखिए आप लोग, ये हमारी पहली आकृति है और ये हमारी दूसरी आकृति। दूसरी आकृति में देखिए आप लोग, थीटा मेरा क्या है, यहाँ पर है। तो जब थीटा यहाँ पर है, तो अभी मैंने आपको पिछले डायग्राम में क्या बताया था कि ये थीटा कोई व्यक्ति है, यानी व्यक्ति जब भी खड़ा है तो सीधी सी बात है ये जमीन पर ही खड़ा है। तो जमीन क्या हो गया आप लोगों का, ये आधार। ठीक, आधार, और ये आप लोगों का इसकी सामने वाली जो भुजा है, यानी व्यक्ति जब यहाँ से सामने देखता है तो ये आपकी क्या हो जाता है, लंब। ठीक, और ये आपका कर्ण, ये क्या हो गया आप लोगों का, कर्ण। कर्ण किसी भी दशा में नहीं बदलता। तो आप लोगों को मालूम हो गया कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और थीटा यानी व्यक्ति जहां पर खड़ा होता है वो आपके आधार, और कर्ण ज्यों का त्यों रहता है। इसी तरह थीटा यहां पर है तो आपकी सामने वाली भुजा ये लंब हो गई और ये आपका आधार, और कर्ण वैसा का वैसा ही रहेगा। अब त्रिकोणमिति जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि कुछ चीजें हैं जो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसको आप लोग सीरियल नंबर से आप लोगों को याद करना पड़ेगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो आप लोगों से कोई पूछता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है और cosec थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है और आज हम लोग इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। एकदम सरल तरीके से हम आप लोगों को निकालना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखिएगा आप लोग लाल, लाल बटे कटका, क्या लिखिएगा, लाल बटे कटका, लाल बटे कटका।
ठीक है। तो ये देखिए लाल बटे कक्का, तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि इसको सीरियल नंबर से याद करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ यल की जगह लिखिएगा साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, और यहाँ कॉट, यहाँ सेक, और ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। यानी साइन, कॉस, टेन, और फिर इधर से कॉट, सेक और कॉस एक्स, ठीक है। तो यल, यल का मतलब होता है लंब, यल का मतलब क्या होता है लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब आपका कर्ण, ठीक है। अब देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉस एक्स, ठीक है। तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन, कॉस, टेन को आपको जब निकालना होगा कि साइन इक्वल टू क्या होता है, तो ये देखिए साइन, कॉस, टेन आपका ऊपर से लेके नीचे की ओर चलता है, कॉट, सेक और कॉस एक्स आपका नीचे से लेके ऊपर की ओर चलता है, ठीक है। तो साइन, कॉस, टेन, अब आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या 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 बोलेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्योंकि एल से लंब और के से कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ लंब बटे कर्ण, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ ऐसे कर दीजिए आप लोग, ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इस तरह टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर, अब ये क्या होगा नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का आधार बटे लंब, आधार बटे, आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सेम कंडीशन ऐसे ही लिखते हैं फिर से हम लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए इस साइन का जो कॉन्टेक्ट है मेरा किसके साथ है, कॉस एक्स के साथ, कॉस का किसके साथ है सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग अब ये कॉस एक्स का किसके साथ है नीचे सब चलेंगे, ठीक है, कॉस एक्स का किसके साथ साइन के साथ, सेक का कॉस के साथ, कॉट का टेन के साथ, ठीक है। अब हमने आप लोगों ने देखा है कि साइन थीटा का किसका किसके साथ कॉन्टेक्ट है कॉस एक्स के साथ, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन का किसके साथ कॉन्टेक्ट है कॉस एक्स के साथ, तो हम लोग लिखेंगे वन अपॉन कॉस एक्स थीटा, कॉस एक्स थीटा, कॉस का किसके साथ है सेक का, यानी कॉस थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा, टेन का किसके साथ है टेन का कॉट के साथ, यानी वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉट का किसके साथ है कॉट का, कॉट का किसके साथ है टेन के साथ है, वन अपॉन टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा। अब क्या सेक थीटा का किसके साथ है, सेक थीटा का आपका कॉस के साथ, वन अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का, कोसेक थीटा का वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है, वन अपॉन साइन थीटा। बट आपका टेन थीटा और कोट थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है आपका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये आप लोगों का एक सिंपल बेस तैयार हो गया, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा जो है, यह प्रमेय
अक्सर तब प्रयोग की जाती है जब हमें एक समकोण त्रिभुज में कोई भुजा का माप ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, फिर से देखिए, यह प्रमेय अक्सर तब प्रयोग की जाती है जब हमें समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा का माप नहीं मालूम होता है, तब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर।